सुप्रीम कोर्ट ने डीपीओ पाकपतन के मामले पर दो इंक्वायरीज कराने का हुक्म दे दिया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे से भी। आपको बताएं कि यह हुक्म सामने आया है चीफ जस्टिस ऑफ की जानब से, और सुप्रीम कोर्ट ने डीपीओ पाकपतन के मामले पर दो इंक्वायरीज कराने का हुक्म दे दिया है। अमानत गिश्कोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत गिश्कोरी, आगाह कीजिएगा, अहम फैसला हो गया है। जी बिल्कुल, देखें डीपीओ पाकपतन अब इसकी समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने मानिका खानदान के साथ पुलिस बदतमीजी के दोनों वाकियात की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया है, और आईजी पंजाब से तमाम को मद्देनजर रखकर मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट जो है एक हफ्ते में तलब कर ली गई है। अदालत का कहना था कि वजीर अला पंजाब के चीफ सेक्रेटरी अफसर उमर और एहसन जमील गुजर जो है उनकी मुदाखलत के पहलू पर भी इंक्वायरी की जाए, और पुलिस इंक्वायरी के वक्त डीपीओ पाकपतन रिजवान गोंदल और आरपीओ साहिवाल शारिक कमाल के बयान को भी मद्देनजर रखा जाए। इसके साथ अदालत ने बात में कहा कि वजीर अला की मुदाखलत समेत तमाम पहलुओं पर इंक्वायरी करके एक हफ्ते में मुफसिल रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की जाए। केस की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जमील गुजर को मुखातिब करते हुए सख्त बरहमी का इजहार किया और कहना था कि आप कौन होते हैं वजीर अला हाउस में जाकर पुलिस को डिक्टेट करने वाले, जिस पर जमील गुजर ने कहा कि मैं खावर मनिका के जो बच्चे हैं उनका कस्टोडियन हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क में कहा कि आपको किसने इजाजत दी हुई है, कौन सी अदालत से आपने ये जो है इजाजतनामा लिया हुआ है आप इनके कस्टोडियन हैं, इनके बाप खुद जिंदा हैं खावर मनिका, तो आप कैसे इनके कस्टोडियन हो सकते हैं। जिस पर अदालत ने कहा है कि हम खावर जमील गुजर जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराएंगे और पुलिस मुदाखलत पर उनके खिलाफ पर्चा भी दर्ज करवाने का हुक्म दे सकते हैं। ये जैसे रिमार्क ने कहा कि वजीर अला पंजाब के खिलाफ भी हम तमाम पहलुओं को देखेंगे और आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से भी गौर करेंगे कि वजीर अला पंजाब ने कैसे जो है वो पुलिस के तबादले के हवाले से डायरेक्ट कैसे हुक्म जारी किया और रात के अंधेरे में ही क्यों तबादला किया गया। जैसे पाकिस्तान ने डीएजी हेडक्वार्टर से कहा कि रात के अंधेरे में आपने क्यों ये हुक्म जारी किया, क्या सुबह नहीं होनी थी, जिस पर डीएजी हेडक्वार्टर ने कहा कि मुझे आईजी पंजाब की जानब से कॉल आई थी कि आज ही तबादला किया जाए डीपीओ रिजवान गोंदल का और नए डीपीओ का इंतजाम किया जाए, जिसके बाद हमने जो है नए डीपीओ को वहां पे तैनात कर दिया है और रिजवान गोंदल का तबादला कर दिया था। तमाम सुप्रीम कोर्ट ने जो है आईजी पंजाब को ये हुक्म जारी किया है कि खावर मनिका के बेटों के साथ जो बदतमीजी हुई है उनकी और जो दूसरे वाकये की जो रिपोर्ट है दोनों वाकयात की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए और एक हफ्ते के अंदर जो है तमाम रिपोर्ट पेश की जाए। ठीक, अमानत बहुत शुक्रिया आपका।